गोल्स के रूप में हम रखा है उसको पूरा करने के लिए प्रयास करना चाहिए। और विकासशील दुनिया लगभग 800 मिलियन भूख से पीड़ित व्यक्तियों से लगभग 1/4 व्यक्ति एशिया में निवास करते हैं, इसके बारे में हम लोग गंभीरता से सोचना चाहिए। हमारा किसान लोगों की खिलाने में सक्षम है परंतु वे अपने परिवारों को आवश्यकता को पूरा करने के लिए आएगा जैसा कि हमें चाहते हैं। समय की मांग है कि हमारी कृषि प्रणाली को सतत बनाना जाए क्योंकि कृषि भूमि के कोई वृद्धि नहीं होगी जबकि किसान परिवारों की संख्या और उनकी आवश्यकताओं में उत्तरोत्तर ये भूमि नहीं बढ़ पाएगी, भूमि तो उतना ही। तो इसलिए इसके बारे में वेराइटीज के बारे में और आजकल ऑर्गेनिक के बारे में बहुत चर्चा हो रही है, लोग उसके भी चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं हरित क्रांति के बावजूद भूखमरी और गरीबी के विरुद्ध संघर्ष जारी है। यह जानना संतोषजनक है कि भारत सरकार के द्वारा देश में भूखमरी और गरीबी उन्मूलन के लिए कृषि कृत प्रयासों में तेजी ला गई है। आजीविका सुरक्षा को सुदृढ़ करने का कार्य उत्पादन में वृद्धि करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि सिंचाई योजना, कृषि यांत्रिकरण मिशन, राष्ट्रीय कृषि विपणन योजना, ग्रामीण भंडार योजना और स्वास्थ्य कार्ड योजना जैसी कई कृषि एवं कल्याणकारी योजनाओं का आरंभ की गई है मगर इसको नीचे तक ले जाना चाहिए। मित्रों उनके लिए रेमुनरेटिव प्राइस होना चाहिए। इन सभी विषयों में स्टडी करके साइंटिफिकली हम लोगों को किसान को मदद करना चाहिए। इसलिए मित्रों मेरा कहना है ज्यादा कुछ कहने का जरूरत नहीं, मशीनों का उपलब्धि से कितना फायदा होगा। अभी हरियाणा पंजाब का एक किसान अपना फसल के बाद वो जो कर रहे उसके कारण से दिल्ली में ये हो रहे प्रदूषण हो रहे हैं, हम लोग शिकायत कर रहे हैं। मुझे यह बताया गया है कि ऐसी मशीनों में उपलब्ध है जो खेतों से अवशेषों को एकत्र करके उन्हें विभिन्न लाभकारी कार्यों में प्रयोग करने हेतु यंत्रवत गटरों में परिवर्तित कर देती है, जैसी जैव सीएनजी ताप संयंत्रों के लिए बायोमास पायलट ईंधन तथा औद्योगिक क्षेत्र में भी जैव कंपोस्टिंग जैसा कार्य इस फसल अवशेष को उपयोगी और उर्वरक में परिवर्तित करने वाले प्रौद्योगिक उपलब्धि है। ऐसा बताया गया है कि हरियाणा के करनाल जिले से कुछ किसानों ने मिलकर वैज्ञानिकों को सहायता से फसल अवशेष से खाद बनानी शुरू कर दिया है। इससे न केवल पर्यावरण की रक्षा होगी मगर अभी तो मिट्टी की गुणवत्ता भी बढ़ रही है। मैं वैज्ञानिक समाज से अपील करता हूँ कि अपने अपने क्षेत्र में भी अब जाइए लैंड लैब टू लैंड जाके किसानों को और नया योजना नया आइडिया उनको बताइए। मित्रों मेरा कहना यह है ये आने वाले दिनों में हम सब लोग मिलकर जो हमारे सामने है कृषि क्षेत्र में उसको समाधान ढूंढने का काम राजनेता और साइंटिस्ट सब मिलकर हम लोग ये परिवर्तन लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा रिफॉर्म परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, हर एक क्षेत्र में ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। भारत सारी शक्तिशाली बनना है तो इसके ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी है और साथ ही साथ सबका साथ सबका विकास माने सबके लिए विकास होना चाहिए। केवल कुछ लोग पूंजीपति बने फाइव स्टार होटल बनाए और बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाए तो उससे काम होगा नहीं, सबके लिए हर एक व्यक्ति ऐसा महसूस करना चाहिए मैं भी इसमें भागीदारी हूँ। इसलिए प्रधानमंत्री जो भी कार्यक्रम शुरू करते हैं वो कहते हैं हर एक कार्यक्रम में लोगों का भागीदारी होना चाहिए। ये अभी लेटेस्ट है ना आप लोग ने देखा है क्लीनलीनेस, महात्मा गांधी ने कहा वाराणसी में 116 ईयर्स के पहले उन्होंने कहा सैनिटेशन इज मोर इम्पोर्टेंट दैन पोलिटिकल फ्रीडम, दिस इज द वर्ड ही सेड। एंड ही ऑल्सो सेड दैट ये भगवान के पहुंचने में आप लोग ये क्लीनलीनेस के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए ऐसा कहा, बिकॉज गॉड लाइक सच पीपुल हु आर क्लीन। मगर आजकल इसको एक उद्यम के रूप में देश भर में प्रधानमंत्री ने आरंभ किया, हम सब लोग केवल मोदी जी के कारण से नहीं देश के आवश्यक है, हम सब लोग इसको भागीदारी होना चाहिए। क्लीनलीनेस ड्राइव वी शुड ऑल बिकम तन से मन से धन से, देश को पूरा साफ करने का काम हम सब लोग मिलकर प्रयास करना चाहिए। मैं चाहता हूँ मैं मानता हूँ हर एक काम में लोग जब तक भागीदारी नहीं होंगे कार्यक्रम सफल नहीं होगा। इस बीच में मानसिकता में ऐसा परिवर्तन आया कोई भी कार्यक्रम सरकार देखेंगे कारपोरेटर देखेंगे मंत्री देखेंगे मेरा काम नहीं उनका है सब काम सरकार करेगा हम बेकार बैठे तो चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। हम लोग भी इसमें
भागीदारी होना चाहिए। जल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन होने का नाते सिंचाई तथा जल विकास के आधुनिकरण, वर्षा जल संचयन, टैंक का पुनर्शासन और रिवर्स का रिजर्वेशन और अल्पकालिक जीवन चक्र और कम जल खपत वाली किस्मों के उत्पादन के संबंध में हमारा दृष्टिकोण पर मोर क्रॉप प्रति बूंद अधिक फसल की अवधारणा पर आधारित होना चाहिए। दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा, उन्होंने कहा हर खेती को पानी, हर हाथ को काम, वाटर टू एवरी लैंड, वर्क टू एवरी हैंड, दिस इज व्हाट ही हैज टोल्ड अस एट द टाइम। सो वी हैव टू नाउ थिंक ऑन दोस लाइंस। इसलिए मित्रों, मैं चाहता हूँ कृषि विज्ञान केंद्र अथवा केवी के देश के अग्रणी विस्तार प्रणाली है। कृषि विज्ञान केंद्रों की उत्पत्ति और व्यवहार द्वारा अधिगम दर्शनों को अंतर्विष्ट करके कौशल निर्माण करने की पृष्ठभूमि में हुई थी। कृषि विज्ञान केंद्रों के पास भारत सरकार मेरा गांव मेरा गौरव और संकल्प से सिद्धि कार्यक्रमों का क्रियान्वित जाने के महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, जिसके लिए कृषि के समग्र विकास और वर्ष 2022 तक किसानों को आयु को दोगुना करने संबंधित लक्ष्य के प्रतिबद्धता होना बहुत अनिवार्य है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर जो भी संस्थाएं हैं, विश्वविद्यालय है, सब लोग इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जिस छात्रों को आज ये हम लोगों ने स्नातक में डिग्री प्रदान किया गया है, उन्हें किसानों का समस्याओं का पता लगना चाहिए तथा उनका समाधान तथा कृषि क्षेत्र में सुधार लाने हेतु नवोन्मेषी तरीका से अपनाए जाने में सहायता करनी चाहिए। कृषि क्षेत्र में देश का चहुमुखी सामाजिक आर्थिक विकास किए जाने संभावनाएं बहुत है। मैं सभी नवस्नातकों को एक बार पुनः शुभकामनाएं और मेरा अपना आशीर्वाद भी देता हूं। आप एक नया जीवन आरंभ करने जा रहा है और निश्चित रूप से आप अलग अलग व्यवसाय चुनेंगे। मेरी आपको यही सलाह है कि आप गौतम बुद्ध की दर्शन को अपनाए और उन्होंने कहा अपो दीपो अर्थात अपना प्रकाश स्वयं बनो, क्योंकि वास्तविक और शाब्दिक अर्थों में प्रज्ञा का प्रकाश स्वयं आपको और संपूर्ण मानवता दोनों का ही सफलता शांति एवं समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर होने में सहायक सिद्ध हो सकता है। मैं आप सभी के लिए कामना करता हूं कि आपके अपने भावी प्रयासों में सर्वत्र सफलता प्राप्त हो। सबको मेरा नमस्कार। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अब मैं कुलसचिव महोदय जी से निवेदन करती हूँ कि वो धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करने की कृपा करें। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश एवं कुलाधिपति महोदय, कानपुर नगर के लोकप्रिय माननीय संसद जी, माननीय कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री उत्तर प्रदेश का उप महानिदेशक शिक्षा डॉक्टर योगेश राठौर जी, महानिदेशक उत्थान डॉक्टर एम पी पांडे जी, विश्वविद्यालय के कुलपति जी, प्रबंध मंडल एवं विद्युत परिषद के माननीय सदस्यगण, सम्मानित अतिथिगण, संकायों के अधिष्ठातागण, निदेशकगण, संकाय सदस्य, उपाधि प्राप्तकर्ता, युवा विद्यार्थियों व इनके गौरवशाली अभिभावकगण तथा प्रेस एवं मीडिया के सम्मानित प्रतिनिधिगण, विश्वविद्यालय के 19वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर मैं आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मैं विशेष आभारी हूँ माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी का, जिन्होंने अतिव्यस्तता के बावजूद इस ऐतिहासिक कृषि विश्वविद्यालय में आकर छात्र छात्राओं व शिक्षकों का मनोबल बढ़ाया। महोदय, आपका संबोधन हम सभी का मार्गदर्शन प्रदर्शित करेगा। माननीय राज्यपाल एवं कुलपति महोदय का भी विशेष आभारी हूँ, जिनकी कृपा एवं मार्गदर्शन सदैव विश्वविद्यालय के प्रति रहती है। महोदय, आपकी व्यक्तिगत रुचि के कारण ही प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों का सेशन नियमित है तथा दीक्षांत समारोह भी प्रतिवर्ष समय से संपन्न हो रहे हैं। माननीय कुलाधिपति, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कृपया चंद्रशेखर आजाद समारोह के समापन की घोषणा करने की कृपा करें। मैं चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं
प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के 19वें दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करता हूं। प्रबंध मंडल के माननीय सदस्यगण, संकायों के अधिष्ठातागण, विद्युत परिषद के माननीय सदस्यगण तथा सबसे अंत में होंगे विश्वविद्यालय के कुलसचिव। ये वो इंटरनेशनल गेस्ट हॉस्टल है, अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास, और जो हमारे छात्र हैं उनको संबंधित मेसों में ही उनके भोजन की व्यवस्था की गई है। तो कृपया हमारी ये दूसरी लगाई हमने।